हेलो मेरे दोस्त, ये कैसी हैं आप सब? नमस्ते, मेरे थान समझते हैं दोस्तों। फाइनली बहुत टाइम के बाद फ्री फायर की तरफ से हम लोगों को कुछ फ्री में देखने के लिए मिल रहा है गाइस। जी हाँ, अभी थोड़े ही टाइम के पहले की बात है, फ्री फायर वालों की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हम लोगों को देखने के लिए मिल चुका है। अभी नीचे लिखा हुआ है बिग गिव वे अलर्ट, ऊपर एक बंडल बना हुआ है, तो हो सकता है बंडल आप लोगों को फ्री में मिल जाए गिव वे के अंदर। तो क्या कुछ सीन यहाँ पे हो सकता है, कब तक ये बंडल आप लोगों को गिव वे के अंदर फ्री में मिलेगा और क्या इसका रिडीम कोड होने वाला है, सारा चीजें हम लोग इसी वीडियो के अंदर अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। शुभ काम में देरी क्यों, चलिए फिर बिना किसी देरी किए, बिना किसी वक्त पर बात किए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो एंड शुरू करते हैं अपना आज का कार्यक्रम। जबकि बाहर के बहुत सारे सर्वर्स के अंदर अभी तक आप लोगों को रमजान का इवेंट देखने के लिए मिल चुका है, इंडियन सर्वर के अंदर भी रमजान का इवेंट आना चाहिए था पर अभी तक आया नहीं। रमजान इवेंट आ रहा है वहां तो इतने सारे रिवॉर्ड्स फ्री में मिल रहे हैं, तो इतने सारे रिवॉर्ड्स क्या इंडियन सर्वर के अंदर फ्री में नहीं मिलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा गाइस, क्योंकि फाइनली हम लोगों को ये कंफर्मेशन आ चुका है कि कब तक इंडिया के अंदर भी रमजान का इवेंट आने वाला है। दोस्तों, क्या आप लोग भी जानना चाहते हो? 7 अप्रैल। जी हाँ दोस्तों, 7 अप्रैल ये डेट आप लोग अपने कैलेंडर के अंदर मार्क करके रख लीजिए। हो सकता है इसी डेट के ऊपर ही इंडिया के बाहर के भी बहुत सारे सर्वर के अंदर, जिन जिन सर्वर में अभी तक रमजान का इवेंट आया नहीं है, वो उन सारे सर्वर्स के अंदर रमजान इवेंट आ ही जाएगा। रिवर्स यार आप लोग देख सकते हो, बहुत सारे फ्री के रिवर्स यहाँ पे, कुछ फ्री के इमोट्स भी आप लोगों को इधर से मिलने वाले हैं, ठीक है गाइस। और हाँ, बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे रमजान इवेंट इंडिया के अंदर नहीं आएगा, ऐसा वैसा। देखिए, रमजान इवेंट रमजान के डायरेक्ट नाम से नहीं आ सकता है, लेकिन हाँ, हो सकता है किसी अदर नेम से इंडिया के अंदर इसको लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि यार इतने सारे रिवॉर्ड्स हैं और पूरा का पूरा एक पैच अपडेट भी इसी नाम से ही आ रहा है रमजान इवेंट। तो ऐसा नहीं होगा कि ये सारे रिवॉर्ड्स को करना वाले देंगे ही नहीं इंडिया के अंदर, तो फिर गेम चलेगा ही नहीं, ठीक है, ऐसा ही हो जाएगा। तो इसलिए बोल रहा हूं, इवेंट आएगा या फिर इवेंट अलग एक नाम से आएगा, लेकिन ये सारे आइटम्स आप लोगों को मिलने वाले, कुछ के लिए आप लोगों को डायमंड्स देना पड़ेगा और कुछ आइटम्स आप लोगों को फ्री में मिल जाएंगे, समझ रहे ना आप? हां भाई हां। चलिए दोस्तों, फिर इसी के साथ साथ वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं और अभी हम लोग बात करने वाले हैं गेम में आने वाला न्यू इवो गन के बारे में, यानी कि इवो M1014 के बारे में और इसका फेडेड व्हील के बारे में। जी हां दोस्तों, हर एक इवो गन आप लोगों को एक ना एक फेडेड व्हील के अंदर देखने के लिए मिल जाता है, तो ये इवो M1014 भी आप लोगों को कुछ इस प्रकार का फेडेड व्हील के अंदर देखने के लिए मिलेगा, वो भी बहुत जल्दी। कितना जल्दी, चलिए अभी हम लोग इसके ऊपर ही बातचीत कर लेते हैं। दोस्तों, ये जो फेडेड व्हील है ये आप लोगों को गेम में वही रमजान के टाइम पे ही देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि उससे पहले तो अभी हम लोगों को किसी भी तरीके का कोई इवेंट आने का नजर नहीं आ रहा है। अल्वार इवेंट गेम के अंदर से खत्म तो हो रहा है, लेकिन अभी गेम के अंदर एक नया मोड आ चुका है एक नया इवेंट के साथ। आप लोगों को अगर नहीं पता है तो मोड का नाम है पेट्स मास मोड, ठीक है, और इवेंट का नाम भी उसी प्रकार का है लगभग कुछ, ठीक है। इसके ऊपर भी आप लोगों को कल सुबह तक हमारे चैनल के ऊपर एक वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा। हम लोग वीडियो के अंदर सीधा आगे बढ़ते हैं और अभी हम लोग बात करने वाले हैं इस फोटो के बारे में, करने वाले इस फोटो के जरिए क्या बताना चाहते हैं, क्या होने वाले रिडीम कोड जो कि आप लोगों को कल के दिन के ऊपर मिलने वाला है और कब आप लोगों को मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया था तो जल्दी से जल्दी इस वाले वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ साइड वाला बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे डाल देना, क्योंकि ऐसे ही मस्त मस्त वीडियोस और जानकारी देने वाला वीडियोस, यानी कि इंग्लिश में बोले तो इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए रोज बनाते रहता हूं, ठीक है। कोई भी वीडियो अगर आप लोग मिस नहीं करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे डाल दीजिएगा। तो चलिए अभी हम लोग इस बैनर के बारे में पूरा बातचीत कर लेते हैं कि क्या है एक्चुअल मसला। सबसे पहले टाइम आप लोग देख सकते हो गाइस, 10 AM मतलब दिन के 10 बजे और 1 अप्रैल इसका डेट है, यानी कि कल। तो यार मुझे ऐसा थोड़ा सा फीसी सा लग रहा है यार, मुझे लग रहा है कि गरणा वाले प्रांक करना चाह रहे हैं, ठीक है, अप्रैल फूल बनाना चाह रहे हैं, 1 अप्रैल को अप्रैल फूल होता है। कैसा लगा मेरा मजाक? पर इतना तगड़ा नहीं काट सकते यार गरणा वाले अपने, यहाँ पे बंडल चिपका हुआ है, नीचे लिखा हुआ है बिग गिव वे अलर्ट, ठीक है, और नीचे और भी लिखा हुआ है स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार पूरी तरीके से गरणा वाले हमारे काट देंगे, हो सकता है कि यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई गिव वे निकल के आ जाए। अगर ऐसा होता है, सचमुच कोई गिव वे निकल के आता है, तो फिर उसका टाइम होने वाले दिन के 10 बजे और हो सकता है कोई लाइव स्ट्रीम वगैरह चलेगा या फिर किसी ना किसी तरीके का आप लोगों को एक वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा,
वीडियो का लाइक एम या फिर व्यूज का एम रहेगा, व्यूज का टारगेट रहेगा। मान लीजिए 10 मिलियन व्यूज हो जाने के बाद आप सभी लोग मिलने वाला एक रिडीम कोड, और नया वाला जो रिडीम वेबसाइट बना हुआ है वहाँ पे जाकर के आप लोग इस कोड को रिडीम करके बड़े ही शानदार तरीके से बंडल को जीत सकती हो। ठीक है, तो दोनों ही तरीके हो सकते हैं यार। जब मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन आगे मिलता है मैं आप लोगों को आकर के बता दूंगा, आप लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए तो हम लोग इस वीडियो के अंदर आगे बढ़ेंगे और बात करना चाहेंगे आज के टूनेट अपडेट के बारे में। दोस्तों आज का डेट क्या था गाइस? आज का डेट था 31 मार्च। तो मार्च बुया पास का टाइम आज से खत्म हो जाएगा और कल से आप लोगों को न्यू बुया पास देखने के लिए मिल जाएगा गेम के अंदर, यानी कि अप्रैल मंथ का बुया पास कल से आप लोगों को गेम में देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर आप लोगों ने अप्रैल मंथ बुया पास को नहीं देखा है अच्छे से, आप लोग यहां पर देख सकते हो गाइस, बंडल वगैरह आप लोगों को अच्छे से दिखा देता हूं। तो इस बुया पास के अंदर सबसे पहले आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है एक P90 का स्किन, और उसके बाद आप लोगों को लेवल 10 के ऊपर जाने के बाद ही देखने के लिए मिल जाता है एक मसा दिखने वाला फीमेल बंडल गाइस। ठीक है, लेवल 10 के ऊपर ही ये फीमेल बंडल आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। पानी पानी शहर दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो बुया पास है वो आप लोगों को फिश या फिर पूरा का पूरा सीख थीम के ऊपर बेस्ड है, मेरे को ऐसा लगता है। बाकी आगे चलते हैं गाइस, लेवल 30 के ऊपर चलने के बाद आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा मछली वाला लूट बॉक्स, जो कि देखने में काफी ज्यादा मत सा तो लग ही रहा है। बाकी ये मस्ता लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि अभी यहीं पे हम लोग रह जाएंगे, नहीं, वीडियो के अंदर आगे बढ़ेंगे और इससे मस्त मस्त कौन कौन सी चीजें हम लोग यहाँ पे देखने के लिए मिलते वो देखेंगे। ओके, लेवल 40 के ऊपर हम लोग को देखने के लिए मिल जाता है एक गाड़ी का स्किन, जो कि बोथ जमीन पे भी और पानी पे भी चल सकता है। यार इस गाड़ी का नाम ही याद नहीं रहता है मेरे को, और इसको मैं हमेशा यही नाम से बुलाता हूँ, कोई बात नहीं गाइस। लेवल 50 के ऊपर चलते चलते हम लोगों को बंडल बेसिक सा मिल जाता है गाइस। ठीक है, इस वाले बुया पास के बेसिक ना बंडल है, लेकिन ये बंडल जैसे जैसे आप लोग अपग्रेड करते जाओगे या फिर थोड़ा आगे तक लेवल लेके जाता है उसको, तो बंडल के ऊपर और भी अच्छा सा एनिमेशन आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, वो हम लोग आगे चल करके देखने ही वाले हैं। ठीक है, तो लेवल 60 के ऊपर नहीं, लेवल 80 के ऊपर फाइनली आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है, मस्त तो नहीं या फिर अच्छा सा भी नहीं, लेकिन एक नॉर्मल से सरबोर्ड आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। फिर फाइनली जो बंडल यहां पे निकल के आता है वो कुछ इस प्रकार का है गाइस, बंडल नहीं चलता फिरता एक्वेरियम बना दिया गया है। ठीक है, शर्ट के ऊपर आप लोग देख सकते हो मच्छी वच्छी चल रही है, एकदम मस्त सा लग रहा है, एकदम कूल सा चिल सा इफेक्ट निकल के आ रहा है। बाकी अगर ये बंडल आप लोगों को पसंद आ रहा है, पूरा बुया पास अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, तो फिर आप लोग नेक्स्ट बुया पास को ले सकते हो भी बड़े आराम से। और आजकल तो बुया पास के ऊपर किसी भी तरीके का डिस्काउंट हम लोग को देखने के लिए नहीं मिल रहा है, क्या पता आगे चल करके डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाए, पर अभी तक तो कोई भी डिस्काउंट हम लोग के यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रहा है। मैं भी इसी चक्कर में ही रुका हुआ था यार कि डिस्काउंट मिल जाएगा, पर अभी तक कोई डिस्काउंट नहीं मिला। और बुया पासेस रेयर होंगे ऐसा मेरे को लग रहा है, क्योंकि इलीट पासेस भी रेयर थे, तो चाहे अपन को अपनी किडनी भी बेचना पड़ जाए कोई बात नहीं, लेकिन पहले वाले जो 5-6 बुया पासेस है ना उनको हम लोग शिद्दत से एकदम निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। अप्रैल मंथ का जो बुया पास आने वाले उसके ऊपर आप लोगों को फ्यूचर में कोई भी डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, जब मेरे को पता चलेगा मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना के दिखा दूंगा गाइस। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, मैं मिलता हूं आप सभी से किसी ना किसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अच्छे से खेलते रहो, अपने सारे एनिमीज को मारते रहो।